जिम आपके लिए क्या है? दवाई है रे बाबा। Do you like men? No. तो ओए मेरा बच्चा, खाते पीते खानदान। प्रेगनेंसी और पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। अपनी खुशी के लिए आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की बैंड मत बजाएं। वालेकुम जी, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ओनली फिटनेस व्हिच इज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस पॉडकास्ट एवर। एक ऐसा पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि एक बहुत ही रॉ, अनकट, अनफिल्टर्ड और कुछ ऐसी बातें जो कि शायद आप करना चाहते हैं और कर नहीं पाते। चाहे वेट लॉस हो, चाहे वेट गेन हो, मेंटल हेल्थ हो, या फिर उसके बाद जिम की कोई एक्सरसाइज है, वो तमाम सवालों के जवाब आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ कुछ डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ से। कुछ डिफरेंट जिम्स में जाके हम ये सारे सवाल करेंगे और लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप तक पहुँचाएंगे। तो इसीलिए आज के लिए हमारे पास जो गेस्ट आई हैं वो बहुत ही मज़े की गेस्ट हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उसके बाद बहुत अच्छी क्लाइंट हैं, और इसके बाद बहुत एक अच्छी दिल वाली हैं। और ये भी एक ऐसी इंसान है कि जो अपना दिल जो है ना वो हर जगह ऐसे निकाल कर रख देती हैं लोगों के लिए, स्पेशली क्योंकि लोगों से बहुत प्यार करती हैं। और फिटनेस इंडस्ट्री हो या फिर इसके अलावा मीडिया इंडस्ट्री हो, बहुत अच्छा काम करी हैं, इतना मज़े का काम करी कि लोग इनके काफ़ी बड़े फ़ैन हो चुके हैं। और इनके फ़ैन सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि मैंने खुद अक्सर देखा है कि जो स्टोरीज वगैरह इनकी लग रही होती है, तो मुझे लगता है कि यार इनकी जो गेम है ना अभी बहुत स्ट्रांग जा रही है। सो इसलिए मेरी बहुत अच्छी दोस्त और एक ऐसी इंसान जिसने ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में ना लाइक कुछ एक पहाड़ तोड़ दिया है, 120 केजी से लेके कोई 60 केजी पे इस वक्त आ गई और इस वक्त इतनी कोई हो चुकी हैं कि जिसके बाद आप भी बोलेंगे कि क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वेलकम रोज। अस्सलाम वालेकुम। इतना प्यारा इंट्रोडक्शन मैंने बहुत कम होस्ट से सुना है। रिजवान कमाल के होस्ट हो। ओह रियली? कमाल के होस्ट हो। ये बंदा नेक्स्ट ना टीवी पे आएगा इंशाल्लाह। आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। जबकि मेरी इट वाज सो नेचुरल, मैं यही देख रही थी कि पिछले जन्म में मॉर्निंग शो के होस्ट थे। बोलना मैंने लेकिन मॉर्निंग शो से ही सीखा है ना। यस, सच अ फ्लो और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखें, जबकि ये मेरा काम नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा होस्ट बनने की कोशिश करूँ और जो अपने गेस्ट हैं उनको इतनी इज्जत दें, इतना प्यार दें कि इस तरह के जो लोग हैं ना फिर वो हमारे लिए भी आगे हम बहुत एक अच्छा वो फीडबैक लेकर आए। सो कैसे रोज आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम सो हैप्पी दैट एक पॉडकास्ट, वैसे तो आपके काफ़ी पॉडकास्ट थे, आपके इंस्टाग्राम पे हमेशा पॉडकास्ट होते थे और अमेजिंग न्यू आइडियाज, ट्रेंडी रील्स, छत पे जाके बैक सीधे कर। मतलब मैं कहती हूँ वो रील को आप लोग इतना वायरल करें कि करण औजला और विकी कौशल रिपोस्ट करें। एग्जैक्टली, दैट वाज एफर्ट। बिल्कुल, और आपने भी उस रील में देखा होगा कि वो जो मेरी रील है छत के ऊपर से खड़े हुए दो इंसान नीचे खड़े, मतलब ये आइडिया कंसीव कैसे किया? मतलब ये मैंने अभी तक देखा नहीं है इंस्टाग्राम पे। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे कि झाड़ू मार रहे हैं और ट्रेनर आता है ऐसे करता है, जिम में घूम रहे हैं ऐसे, पर छत और नीचे रोड। यस, आइडिया यही था कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ डिफरेंट करें। और नॉर्मली अगर हम जिम में स्क्वाट करते तो हमें कौन देखेगा, वही अगर एक लड़की करती है तो मिलियंस में चले आती है। इट वॉज जस्ट बाई थ्री बॉयज। यस, देयर वॉज नो गर्ल्स। नो गर्ल्स, नो गर्ल्स वर यूज्ड इन द वीडियो। यस, नो लेगिंग्स, स्पेशल लेगिंग्स वर यूज्ड, नो सेक्सुअल कंटेंट, नथिंग एक्सप्लिसिट। मतलब तुम छत पे, तुम्हारा भी बस एक ब्लर सा फिगर नजर आ रहा है वहाँ पे, अथर और वहाँ से बाइक पे जा रहे हैं ना, लेकिन मैं हंसी, मैंने अम्मी को दिखाया, मेरी अम्मी भी हंस रही थी, सब घर में हंस रहे थे। एंड आई थिंक विद इन 12 आवर्स 1 मिलियन वाज हलवा। यस, इट इज गॉन ऑन 1 मिलियन और मेरे ख्याल में इस वक्त 2 या 3 मिलियन पे वो रील है और बहुत ज्यादा वायरल हुई है, इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार है। आई विश करण औजला इसको रिपोस्ट करे। सुन ले करण, आप रोज की बात पे करण औजला। यस, क्योंकि वो ट्रेंडिंग सॉन्ग है, ट्रेंडिंग सॉन्ग। एफर्ट की है, मतलब अपने छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, उस छत पे चढ़ने में मेरी जींस फट गई, वो किसी को नहीं पता। ये अब ऐसे काम करेंगे एग्जैक्टली तो ऐसे कामों के लिए, लेकिन मेहनत करो तो उसमें मेहनत पे जरूर मिलता है पल, बेशक उसमें लड़की हो नहीं हो, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती है। हाँ, दिस वाज प्योर कंटेंट। या प्योर कंटेंट था। तो सबसे पहले ये बताएं रोज के हाउ इज द नेम ऑफ आवर फिटनेस पॉडकास्ट, जिसका नाम मैंने रखा है ओनली फिटनेस। अच्छा, ओनली ओनली आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा, बहुत सारे ओनली, मतलब लाइक एक बड़ा एक वो है प्लेटफॉर्म बाहर के लोगों के लिए, तो वहाँ मतलब वो है। Yes. अब पाकिस्तान में ओनली फिटनेस। यस, क्योंकि बाकी लोग जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पैसे भरते हैं और फिर उसके बाद वो उनको कंटेंट मिलता है। तो आपका जो पॉडकास्ट है वो फ्री है? यस, ये है फ्री
अनकट रॉ अनफिल्टर्ड वो बातें जो लोग करना चाहते हैं, वो टैबू क्वेश्चंस मैं खास तौर पे अपने पॉडकास्ट में लेकर आया हूँ कि जो लोग नॉर्मली जिसके ऊपर बात ही नहीं करते, एंड दैट इज ऑल अबाउट कि जो भी चीज़ हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़ी है वो मेरा ये काम है ये लेकर आना आप लोगों के लिए। आई फील दैट हमारी इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट जो ये पॉडकास्ट रॉ और अनकट, बिकॉज बहुत सारी हमारी ऐसी घर पे बैठी हुई बच्चियां हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि कुछ लोग जो आपको टीवी में जो मैगजीन्स में जो आपको लड़कियां दिखती हैं वो कितना एडिटिंग, इंस्टाग्राम पे कितनी जो मॉडल्स हैं वो कितना फोटोशॉप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो डिप्रेशन लेके बैठ जाती है। यू गेट इट? सो आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट ओनली फिटनेस फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट and nothing sugar coated, everything is raw, uncut, हर चीज़ raw है, बिल्कुल इतना दिल पे लगेगी आपको और दिमाग पे लगेगी कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन सच कड़वा होता है। Yes, सच कड़वा होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो रोज सबसे पहले मुझे बताएं the most important thing about you, क्योंकि मैं भी बहुत अरसे से आपको देखता था और उसके बाद मेरी जिंदगी में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपको ट्रेन करूँ। हाँ। फिर उसके बाद जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है, इट्स अबाउट मेरे हिसाब से शायद वो 120 केजी की पिक्चर जो कि इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आ रही है, वो 120 केजी की एक बंदी जो कि इतनी फैट है और उसके बाद आज जो मेरे सामने बैठी है वो इट्स अबाउट 55 और 60 केजी की इन बिटवीन। तो व्हाट इज लाइक हाउ लॉन्ग इज द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? मेरी जो लास्ट हैवीएस्ट बर्थडे थी वाज 2014 जिसमें मैंने इतने छोटे से बाल किए हुए ऐसे यूं बॉब कट करके। एग्जैक्टली वो पिक्चर भी हमारे पास है। 2014 में दैट वाज आई वाज रियली फैट एट वो मेरी बर्थडे। और तकरीबन उस वक्त कितना वेट था आपका? 100 प्लस ही होगा, 120 ही होगा। ओके, यस। बिकॉज मुझे कोई कपड़े नहीं आते थे, मैं आई मतलब नाम तो नहीं बोल सकते, बड़े बड़े स्टोर्स में मैं गई हूँ और सबसे एक अजीब सा मुझे वाकया वहाँ पे, आई वॉन्ट टू शेयर दिस विथ यू, दैट इंस्पायर्ड मी। ओके, दो ऐसी चीज़ें हुई हैं दैट इंस्पायर्ड मी टू लूज वेट। देखें, आई वॉज ऑलवेज अ चबी बेबी, एक मोटा बच्चा पैदा होता है और हमारे जो देसी खानदान है, मेरी अम्मी माशाल्लाह अमेजिंग शेफ, ठीक है, सो हमारे घर में हमेशा मज़ेदार यम्मी खाने, सो चबी बेबी, फैट टीनेजर और हमारे जो देसी होते हैं कुछ नहीं होता, बेबी फैट है, बेबी फैट है, बेबी फैट है और बच्चों को बड़ा वो पैम्पर किया जाता है, पैम्पर किया जाता है। लेकिन लड़कियों के लिए, आई फिर लड़कों के लिए भी वो उनको आइडिया नहीं होता, शायद पता नहीं होता कि बड़े मसले हो जाते हैं कि वो जब उस स्टेज पर आ जाएगा, जब वो 100 किलो का लड़का या लड़की बन जाएगी, तो फिर जब वो पतला होगा उसके साथ क्या होगा? Exactly. और जब वो मोटा था तो वो उसने क्या चीजें फेस की है? आई मीन, ना चाहते हुए भी आपके फ्रेंड्स मजाक उड़ा देते हैं कि गाड़ी में तो पीछे सीट पे तो बस ज्यादा लोग नहीं आएंगे, ये बैठी हुई है, यू नो। फिर मैं आई वेंट शॉपिंग फॉर ईद, मैंने इतने घंटे वहाँ पे गुजार दिए। अब ये मैं सेल्समैन की फॉल्ट नहीं है, सेल्समैन वाज फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मुझे जो पैंट्स आती थी वो ऊपर का नहीं आता था और जो मुझे नीचे मतलब ऐसा हो जाता था, तो उसने ना बेचारे ने मुझे 2-3 घंटे अपने दिए और फ्रस्ट्रेट होके उसने मुझे बोला, मैडम आपके साइज के कपड़े यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आपको सिलवाने पड़ेंगे। और वहाँ पे लोग थे तो मैंने वो बात मुझे बहुत बुरी लगी क्योंकि मुझे जो चीज अच्छी लगती थी वो मेरे साइज में नहीं मिलती। Yes, exactly. ठीक है, वो बात मुझे बहुत बुरी लगी, मैंने बोला ओके। फिर एक दिन हम लोग एक ऐसी लाइक गेट टुगेदर ही था उस वक्त, याद है एक ब्लू वेल गेम आया था? Yes. ब्लू वेल, आई वाज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट एंड आई हर्ड समबडी मेक फन ऑफ मी कि ब्लू वेल है यहाँ पे, ब्लू वेल है। एंड That was I was like okay, because मुझे जहाँ तक लगता था मतलब basically सब आपके लिए बात करते हैं एक अलग name code लेके। किसी stupid इंसान ने बोल दिया, ठीक है, हर कोई बुरा नहीं होता है, most of my friends are supportive, जो मेरे friends 10 साल पुराने थे वो अभी भी हैं। Exactly. And वो उन लोगों ने मुझे उस time भी ऐसे ही treat किया और अभी भी ऐसे ही treat करते हैं। सही है। वो ऐसे नहीं treat करते पतली हो गई है so now we are treating a special or now she is this, they treat me the same way because वो आप जैसे इंसान हो ना वो वैसे आपको ट्रीट करते हैं। मुझे जैसे लगता था इफ यू आर अ नाइस पर्सन यू विल बी ट्रीटेड नाइसली, बट मुझे एक थोड़ा सा लेट वेकअप कॉल आया कि जैसे फिजिकल, पहले फिजिकल अपीयरेंस पे लोग जज करते हैं। Exactly. आप अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो इट डजंट रियली मैटर। आजकल की दुनिया में ना पीपल आर जजिंग ऑन
everything on your outer appearance, what cell phone she has, what brands exactly. she has, how this person looks. But that's not me na. But hamara jo muashra hai very fake. बेशक वो फेक बैग होगा लेकिन वो ब्रांड लेके घूमेंगे भाई. क्यों जब आप ओरिजिनल नहीं ले सकते, आपने फेक उठाना है तो कोई लोकल ब्रांड यूज कर लो. सही बात है. आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन बट आई ऑल्सो बिलीव दैट ब्रांड्स आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनाती. तो मेरा तो यही परसेप्शन था कि अगर मैं मोटी हूँ लेकिन मैं अच्छी हूँ, आई एम अ नाइस पर्सन. लेकिन नहीं, लोग ऐसे नहीं थे. मोटी है मतलब बिल्कुल आई डोंट नो, लोगों को अभी भी लगता है कि फैट पर्सन इज अ उसको हमेशा सेकंड देखा जाता है ना, थोड़ा साइड प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं. वैसे चलेंगे, ये भी चैलेंज है, हमने कर लिया. एंड आई थिंक आप ही के साथ अपने ट्रेनिंग शुरू की थी. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पहले मुझे बहुत शर्म आती थी जिम में कि आप इतने हैवी होते हो और फिर आप वर्कआउट करते हो तो आपको लगता है. और ये मेरे ख्याल में सबके लिए एक पॉइंट है क्योंकि अक्सर जिन लड़कियों का वेट ज्यादा होता है ना वो जिम में जाने में बड़ा एक डरती हैं कि लाइक वो जिम में जाएंगी लोग किस तरह उनको बुली करेंगे. नहीं, हमारे जहन में लगता है सब हमें देख रहे हैं. yes. कि बहुत मोटी है, पसीना कितना आ रहा है, बहुत मोटी है, ये हो yes. रहा है, वो हो रहा है. ये आपका दिमाग है जबकि जिम में कोई किसी को नहीं देखता. कोई नहीं देखता. और देखें अच्छी बात ये कि आप जिम जाएं, द ओनली थिंग डिपेंड्स ऑन कि व्हाट यू आर वेयरिंग. अगर आपको लगता है इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल यू कैन वेयर ओवरसाइज. आजकल ट्रेंडिंग में है, आप थोड़े लूज कपड़े पहने. के पास बहुत मजे मजे के ओवरसाइज शर्ट्स हैं. वेयर समथिंग के जो किसी भी ब्रांड पे, मेरे ब्रांड से आप ले सकते हैं. लेकिन जिम वेयर ऑफ कोर्स एक ज़रूरी है, खासतौर पे वो खवातीन जो कि शलवार कमीज में समझती हैं कि वर्कआउट होता है, तो वो नहीं है. हाँ. वर्कआउट के लिए आपको यहाँ से तैयार होना पड़ता है. यहाँ से जब आप पहनते हैं, आप अपने आप को पहले शीशे में देखते हैं, फिर आप अपने कपड़े पहनते हैं, उसके बाद फिर एक प्रॉपर स्केड्यूल पे जाते हैं. इतनी खुशी मिलती है ना जब आप कोई पुराने कपड़े में आ जाते हो. ओहो वो रोज आपके पास वो जो उस वक्त के ओबेसिटी का जो आपका वो था. हाँ. उस वक्त के कपड़े अभी आपके पास हैं? नहीं, नहीं है? दे दिए. दे दिए. क्योंकि मैं ही घर में, मेरे घर में सबसे बड़े कपड़े मेरे होते थे, साइज 16 नंबर, मतलब सबसे. अब मैं जब जाती हूँ मैं कहती हूँ आई वॉन्ट अ साइज 10, इतना मजा आता है. वाह. लेकिन यार दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अमेजिंग. क्योंकि मैं अगर ये दोनों पिक्चर्स लोगों को दिखाना चाहूँ कि उस वक्त की रोज और इस वक्त की रोज, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. और लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मरते हैं कि यार इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज. तो ये टोटल कितने अरसे की जर्नी है, क्योंकि ये बताना इसलिए हमारे व्यूअर्स के जरूरी है क्योंकि वो लगते हैं कि रातों रात का गेम है, एक आध महीने में ऐसा हो जाता है. नहीं है. और वो जो होता है वो बहुत अनहेल्दी होता है. अनहेल्दी. एग्जैक्टली. मेरा यू हैव बीन विद मी थ्रू आउट द होल जर्नी. तो ये बहुत ही ग्रेजुअली हमने किया था. लेकिन उसके डाउन साइड जो मैं कह रही थी, आपके स्ट्रेच मार्क्स होते हैं. एग्जैक्टली. आप इतने ज़्यादा वजन से गिरते हो. तो रिजवान, आई हैड सो मच एक्सेस स्किन ऑन माई स्टमक, 6 kgs. उसको मैंने रिमूव करवाया. व्हिच इज अ डेड स्किन, राइट? व्हिच इज डेड स्किन बिकॉज आपका सारा फैट तो चला जाता है, बट देन आपकी जो स्किन है वो एक कपड़े की तरह हैंग हो रही होती है. एग्जैक्टली. ठीक है. सो हाँ, वो मैंने रिमूव करवाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये इस चीज को बता भी रही हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज को छुपाते हैं. लेकिन अगर आप ओबेसिटी के साथ, एक कॉमन सेंस की बात है, एक बंदी जो इतनी मोटी थी वो इतनी पतली हुई है, अभी भी है मेरे आर्म्स को टोनिंग की जरूरत है, थाइस को टोन की जरूरत है, अभी भी एक है. तो मैं उन माओं को बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपकी बेटी जरा सी गोलू गोलू है ना, तो ओए मेरा बच्चा खाते पीते खानदान से, नहीं करो. yes. आगे जाके इस गोलू गोलू को प्रॉब्लम होगा. एग्जैक्टली. आप उसको, वो प्रॉब्लम हर किस्म की हो सकती है. वो बहुत सारे लोग जो कि ओबेसिटी की वजह से प्रेगनेंसी वगैरह पे भी नहीं जा पाते. exactly. तो बहुत सारी चीजें हैं. आफ्टर मैरिज बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो इनको आपको लुक आफ्टर अभी से करना पड़ेगा. उन बच्चों को नहीं पता लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा. नीज में मसला होता है, आप मूव नहीं कर सकते प्रॉपरली, आप जरा से सीढ़ियां चढ़ते हाँप जाते हो. हार्मोनल इश्यूज कितने हैं, प्लस यू गेट अ लॉट ऑफ एक्नी बिकॉज आप डिप्रेशन में खाते हो, आप अच्छे नहीं लग रहे. ठीक है, आपने शीशे पे अजीब से कपड़े पहन लिए, आप खुद को अच्छे नहीं लग रहे. बिल्कुल है. देयर इज नो सेल्फ लव. आप उस डिप्रेशन में खाए जा रहे हो और मजीद बड़े होए जा रहे हो. दैट्स हाउ इट इज. आप कभी भी कोई बाहर के जो शोज आते हैं, माई 600 pound लाइफ, आप उनकी स्टोरीज सुनो, क्या है, डिप्रेशन में खा रहे हैं, खुशी में कोई नहीं खा रहा. एग्जैक्टली. बिकॉज फूड इज ऑल्सो अ ड्रग. फूड इज अ ड्रग. अच्छा, जहाँ पे आपने फूड की बात करी है, मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों को ये बताएं कि इन योर जर्नी व्हाट इज योर डिसिप्लिन इन डाइट. आपका जो डाइट का एक डिसिप्लिन था वो आपने किस तरह फॉलो किया, कौन सी डाइट करी,
ताकि वो लोग जो कि इंस्पायर होके वो खुद करना चाहें वो क्या? मैंने कौन सी डाइट नहीं छोड़ी, जो गूगल पे है ना मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ। मैंने एक टाइम पे कैबेज सूप डाइट भी ट्राई की थी और उसका मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या होता था। मुझे चक्कर आते थे, गिर जाती थी, दिन में 3-4 चक्कर आ रहे, गिर रही हूँ भाई हर जगह गिर रही हूँ मैं मतलब नजरों से नहीं गिर रही, बस ऐसे गिर रही हूँ। वेरी बैड, प्लीज फाके ना करें। ये देखें आप, एक आप जैसे आपका ट्रेनर है वो आपको आपको एक डाइट बताएगा जिसमें आप प्रॉपर प्रोटीन भी लें, कार्ब्स भी लें, एक संडे रखे चीट डे के लिए, ये तो बात। वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा डाइट्स ट्राई करके फिर आपको एक चीज आती है, एंड डाइट ऐसी चीज होती है जो आपका लाइफस्टाइल बन जाती है। तो इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर घास भूस और सिर्फ एक चीज, तो आप उकता जाओगे। कीप योर सेल्फ, जैसे फॉर मी राइट नाउ आई एम डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है, राइट। उसमें मेरा एक, मुझे एक चीज का सुकून है कि घर पे मैं जब जाऊंगी तो डिनर में जो मम्मी ने बनाया होगा वो मैं खा सकती हूँ, बिल्कुल, बिकॉज मेरे पास कैलोरीज है। अब थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि फॉर अ वुमन यू नीड टू कंज्यूम 1000 कैलोरीज, नॉट लेस, 1000 टू लूज वेट, एंड फॉर अ मैन यू नीड टू कंज्यूम 2000 टू लूज वेट। इफ यू आर कंज्यूमिंग लेस देन 1000, आपकी बॉडी बोलेगी बस कुछ हो गया है, हम कुछ नहीं करेंगे, इट्स गोना फ्रीज, यस, यू गोइंग टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, वरना वाटर रिटेंशन आ जाएगा, खासतौर पर इस गर्मी में, एग्जैक्टली। तो 1000 कैलोरीज तो आपने खानी ही है, तो आई एम रिलैक्स्ड कि मैं घर पे जाऊंगी और जो मम्मी ने बनाया चावल रोटी 1000 है मेरा पड़ावा, मैं खा लूंगी। और आई गेस आपने जितनी भी डिफरेंट डाइट्स करी हैं, इस डिफरेंट डाइट से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कौन सी डाइट मेरे लिए बेहतर है। वो प्रोटीन करती है मेरे लिए और इंटरमिटेंट। बाकी आई फील कि जितना आप ये फाके पे चले जाते हो, ये घास भूस पे, ये कीटो शीटो पे, ये यूं वापस आता है। हैव यू एवर बीन इनटू कीटो डाइट? ट्राई किया था, यूं वापस आया था सर। और कीटो डाइट आपने करी है? यस, की है मैंने। मैंने ऐसी डाइट छोड़ी, वो कहते हैं ना बहुत सारे लोग कीटो डाइट करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? बहुत बुरी है। बुरी है ना? बहुत बुरी है। लाइक मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ, कीटो डाइट पे बहुत सारे ऐसे लोग, खासतौर पर लड़कियाँ बहुत शौक से करती हैं कि इतने फला फला इंचेस लॉस हो जाएंगे, बट कीटो डाइट में देयर इज अ थ्योरी कि जो आप अपना फास्टिंग करते हैं उसके बाद अपना कार्ब्स छोड़ते हैं, फिर उसके बाद प्रोटीन छोड़ते हैं और सिर्फ फैट के इंटेक लेते हैं, तो आपके लिवर के अंदर कुछ कीटोन्स पैदा होते हैं, ठीक है, एंड दैट कीटोन्स यू आर गाइस आर टेकिंग एज अ एनर्जी सोर्स, तो जिसकी वजह से लिवर के ऊपर सबसे ज़्यादा मसला होता है, खासतौर पर वो जब ख़वातीन करती हैं तो ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि जब हार्मोनल इश्यूज होते हैं, स्किन के इश्यूज हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें लेटर ऑन होती हैं जो कि आपको उस वक्त तो अच्छा लगता है कि वेट लॉस करें, बट डोंट गो फॉर द कीटो डाइट। रहता भी नहीं है, यस, ठीक है, वो वेट लॉस फौरन से वापस आ जाता है। सो इससे अच्छा आप ऐसी डाइट करें जो, देखें गेम बस इतना है कि मुंह को कंट्रोल करें, कि मतलब जो आपको कोई बोले खाना तो आपने ये वाली मिसाल लेनी है। नहीं, मैं मुझे अगर कोई चीज़ खानी होती है ना, मैं मेंटल नोट बना लेती हूँ संडे, जैसे आई लव हलवा पूरी, मैं मम्मी को बोलती हूँ संडे प्लीज ब्रिंग मी हलवा पूरी, मुझे पता है कि मैं एक पूरी खाऊंगी लेकिन संडे मेरा है। सो इट्स गोइंग टू बी अ चीट मील और चीट डे? अच्छा, फॉर मी यस, मेरा जो चीट डे इक्वल्स चीट मील, बिकॉज़ आई ईट वंस अ डे, बट चीट मील और चीट डे में बहुत बड़ा एक फर्क है। अब सारा दिन खाते रहोगे तो फिर तो मसला हो जाएगा, बेसिकली आप पूरा दिन खा रहे हो और वो पूरे एक हफ्ता आपका बढ़ गया। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं तो वंस अ डे खा रही हूं ना, सो चीट मील, हां चीट मील, सॉरी सॉरी, ऑलवेज फोकस ऑन चीट मील, बिकॉज अगर रोज ने ये चीट डे कहा है तो आप अगर पूरा हफ्ता वर्कआउट करें और एक दिन आके सब कुछ खाएं कि आज मैं बर्गर खाऊंगा, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, आज मैं हलवा पूरी खाऊंगा, लेकिन एक इंसान इतना ज्यादा कैसे खा सकता है? खाते हैं भाई, लोग खाते हैं, क्योंकि जो खास तौर पे जो ड्रास्टिकली ऑन डाइट होते हैं ना, उनकी क्रेविंग जो है ना वो इतनी ज्यादा स्पाइक कर जाती है कि वो नहीं छोड़ते। अच्छा, मैं एक और आपको एक हैक सिखाऊं कि आपको जब कोई चीज की ठरक हो ना, जैसे कोई चीज खाने की ठरक हो, आप अपनी रूह को सुकून करते हैं, बेशक आप उसका 2 चम्मच खा ले, यू विल बी लाइक हाँ मैंने खा लिया, आपकी जो भूखी आंखें है ना वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। Exactly. बस पेट नहीं भरे उससे, भूखी आंखें और खाने की ठरक खाने की ठरक। अच्छा रोज ये बताएं कि जिम में व्हाट यू फील लाइक, आपको जिम कितना ज्यादा, क्योंकि मैंने बल्कि मैंने क्या आपकी स्टोरीज में वो चीज नजर आती है, लाइक यू फील सो मच हैप्पीनेस, बहुत एक अलग वाइब होती है आपकी जिम में, तो जिम आपके लिए क्या है?
दवाई रे बाबा। जिम इज थेरेपी फॉर मी व्हेनेवर आई एम डाउन डिप्रेस्ड। इट्स एन एडिक्शन। इफ आई डोंट कम टू जिम तो मैं आई बिकम डिप्रेस्ड एंड मैं जिम वर्कआउट करके जाऊंगी, आई विल बी सो हैप्पी, आई विल बी सो नाइस, यू नो। एक है बस, जिम है, जरूरी है। हाँ, बिकॉज वो एक जिम के अंदर आके ना आपके कुछ एक हार्मोन्स होते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, द सेम हैप्पी हार्मोन्स आफ्टर यू हैव अ फिजिकल विद योर पार्टनर, आफ्टर यू हैव चॉकलेट, यू आफ्टर यू यूज अ ड्रग, द सेम हार्मोन्स आर रिलीज्ड। एंडोर्फिन्स कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? यस, एंडोर्फिन्स या डोपामाइन कहते हैं, डोपामाइन कहते हैं। We are doing a podcast at the gym, so gym में ऐसी चीजें होती रहती हैं। It's an active gym, है और random चीजें बिल्कुल होती हैं। किसी को रोक नहीं सकते। तो इस तरह की जो चीजें आपको बिल्कुल मिलेंगी और इसको हम बिल्कुल कट नहीं करेंगे, because इसी के लिए हम ये इसको uncut, raw, unrealistic, unfiltered है। तो ऐसे हो सकता है दो तीन लोग आके हमसे टकरा भी जाएं, तो no issues, आपको देखना पड़ेगा। So same chemical आपको जिम से मिलता है। हाँ, आप अभी तक शुरू के जब आप कार्डियो करते हो ना, शुरू के 10 मिनट बहुत जहरीले लगते हैं, इसके बाद इट्स ऑल। अच्छा, ये बताएं कि जिम वेयर खास तौर पे, उसमें आजकल जो है मैंने एक वाइब देखी है, खवातीन खास तौर पे एक बहुत अलग साइड पे चली गई हैं। जिम वेयर और पार्टी वेयर एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं भी देखती हूँ, यू नो दैट। हाँ, के यू आर गोइंग इन टू द जिम और गोइंग इन द पार्टी, लाइक वट इज योर? Then again, देखे, there are two types of people in the gym, two या three types। आपने रील बनाई थी, कुछ आती हैं just to make friends, yeah, goes for both men and women, some come wearing head to toe brand। अच्छा, मजे की बात है, वो लोग वर्कआउट ही नहीं करते, वो पिक्चर्स ही क्लिक कर रहे होते हैं, just to get some social media attractions। वो ज़्यादा reels ये वो फलाना ढमकाना, and some people just come to work out, exactly, you know। अब वो आते हैं, जैसे आज तो मैं प्यारी बन के आई हूँ, आपका पॉडकास्ट है। यस, आज रोज जो है वो वाकई में प्यारी बन के आई है, अदरवाइज रोज ऐसे आती है, because पोनी वान के ऑल हेयर। आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, आप जिम करने जा रहे हैं, इस चीज को समझे। आई डोंट गेट इट, बाल ऐसे सीधे हुए हुए, मेकअप हुआ हुआ। पहली बात तो मेकअप के साथ जिम ना करें, आपको दाने हो जाएंगे। यस, योर स्किन नीड्स टू ब्रीथ। यस, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स, आप किस काम के लिए जिम आ रहे हैं। Okay, what is your favorite exercise या workout आप कहते हैं, या फिर favorite muscle? Leg day. Leg day? Yes. Okay. So रोज का favorite है leg day, और इसीलिए leg day पे हमेशा हमने देखा है रोज आपको deadlift करते हुए मिलेंगी। Deadlift, she loves deadlift, और मुझे जहाँ तक याद है कि जब deadlift इसने start किया था, बहुत बुरी फॉर्म होती थी, उसको बाद मैं हर रोज इसको समझाता था। हमने कोविड के बाद जब मैं जिम आई, तब मुझे एक इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छी लगती थी, नाम ले सकते हैं? Yes, yes, मिरांडा। मिरांडा, it's basically international influencer। मैंने रिजवान को पिक्चर दिखाई, मैंने बोला ये है हमारी बॉडी गोल, एंड इट वाज मिरांडा। मतलब जिम का फायदा ये है कि आप अपनी बॉडी टाइप चेंज कर सकते हो। यस, यू कैन बल्क, यू कैन शेड, यू कैन गेट रिप्ड, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विदाउट गोइंग अंडर द नाइफ, एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन एक्सरसाइज एंड डाइट। ये हर चीज आप करेंगे तब होगी। Exactly. तो डेड, मुझे ना वेट्स उठाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब डेडलिफ्ट इज माय लव। डेडलिफ्ट, यस। और डेडलिफ्ट मेरे हिसाब से खवातीन को अब बहुत ज़्यादा शौक हुआ है, पहले खवातीन डेडलिफ्ट इतनी नहीं करती थी, बट ड्यू सब ट्रेंडिंग और इसके अलावा मैंने काफ़ी नोट किया कि अब बहुत सारी लड़कियाँ स्पेशली डेडलिफ्ट के अंदर आ गई हैं, कॉम्पिटिशन खेल रही हैं। बिल्कुल, तो दिस इज अ गुड साइन। बेसिकली हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो कहते हैं जिम जाओगी लड़के जैसी बॉडी हो जाएगी, बड़ी बड़ी बॉडी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, और वेट उठाएंगे तो मसल बन जाएंगे। मसल्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। आपकी कोर स्ट्रेंथ होती है, मतलब आप पतले हो और आप ऐसे कॉटन कैंडी की तरह हो, ये तो नहीं है। Exactly. ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि नॉर्मली जब आप जिम आती हैं, तो आप रिकमेंड क्या करती हैं कि वर्कआउट इट शुड बी विद अ ट्रेनर, और आप खुद का, आपको खुद करना चाहिए? डेफिनेटली विद अ ट्रेनर। व्हाई इज दैट? बिकॉज ये इम्पोर्टेंस किस तरह से हो सकती है? डेफिनेटली विद द ट्रेनर, बिकॉज आप कभी, फॉर एग्जाम्पल, कल मेरा मूड बहुत डाउन था, मैं वर्कआउट कर रही थी, अब अगर मैं ही होती ना तो मैं ऐसे कार्डियो करके चली जाती। अगर आपका ट्रेनर होता ना साथ में, नहीं, नो, वन मोर, नहीं दो सेट हो रहे, नहीं एक और भी होगा, 12 हो रहे, नहीं 15 करो। यू नीड एन एक्स्ट्रा पुश इन द जिम। यस, द
दैट बेसिकली अ ट्रेनर सिंह के दैट ट्रेनर विल मोटिवेट यू टू गिव यू द बेस्ट एंड पुश यू फॉर द लिमिट. सो आपको ट्रेनर, मेरे हिसाब से ऐसा भी है कि बहुत सफा बजट के इश्यूज होते हैं, लाइक इफ यू डोंट हैव अ बजट तो एटलीस्ट एक महीना आप अपने ट्रेनर के साथ करें, उसके बाद फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ पे आए. बिल्कुल. और फिर यू कैन फील द डिफरेंस विदाउट ट्रेनर एंड विद ट्रेनर, कि आपको क्या फर्क है. आप अगर अकेले आओगे ना, जैसे कभी कभार आप कार्डियो अकेले करते हो, फोन पे लगे रहते हो, साइड में बैठ के फोन सुन रहे होते हो, ट्रेनर होता है ना पीछे लगा होता है, वो टीचर की तरह क्या कर रहे हो, गेट बैक, यू नीड अ ट्रेनर. अच्छा, जिम में अक्सर हमने खासतौर पर जब को एनवायरमेंट जिम होता है तो उसमें बड़ा एक मसला होता है खवातीन के लिए एक्सरसाइज करना. हाउ डू यू फील दैट कि खासतौर पर कुछ हर जिम में कुछ दो तरीके के मर्द होते हैं, एक होते हैं जो नॉर्मल अपना वर्कआउट करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर जगह ताड़ होते हैं, खासतौर पर जहाँ लड़की होती है वहाँ घुस जाते हैं ठरकी मार, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे. देखिए, जिस जिम में मैं और आप हैं तो वहाँ पे तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, कोई ऐसा कोई ठरकी, बट स्टिल हर जगह हैं वो लोग. अगर हैं तो फिर हमें फील नहीं होता, बिकॉज हम इतना वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं हमारी वर्कआउट में. लेकिन जितने भी हमारे जिम में हैं, दे आर लाइक ब्रोज, मतलब वो उनको कोई वो नहीं है, वो लगे हुए अपने बाइसेप्स अपने वो उसमें. दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपको 10,000 लोग देख रहे हैं, बट अगर आप अपनी इसमें गुम है ना, आप इतना पैशनेट हैं, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर बिकॉज यू आर कमिंग. एंड जितने भी हैं यहाँ पे, दे आर लाइक ब्रोज, हम तो मिलते भी ऐसे ब्रोज की तरह. यस, एग्जैक्टली. अच्छा, मैंने आपके लिए कुछ सवाल निकाले हैं, वो सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ, और उसमें कुछ जो है वो सबसे पहले कुछ रैपिड फायर्स हैं. ओके. इसके आपको बहुत जल्दी जल्दी जवाब देने, एंड इट विल बी अ वन वर्ड और इट शुड बी अ वन लाइन. ओके, ठीक है. तो आपको वो जो जवाब हैं वो सिंपल सिंपल देने. मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? डेफिनेटली इवनिंग. इवनिंग, बट के नॉर्मली लोग जो है वो कहते हैं कि इवनिंग में वर्कआउट नहीं करना चाहिए, आपके कॉर्टिसोल रिलीज हो जाते हैं, ऑल दैट. नहीं नहीं, इतनी मजे की नींद आती है. हाँ, और मेरे हिसाब से वर्कआउट आपको किसी भी टाइम करना चाहिए जब आपको टाइम मिले. हाँ, मतलब ये क्या है, अब मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, या मॉर्निंग पे अगर आप जल्दी काम पे जा रहे हो तो क्या फिर वर्कआउट ना करें. यस. एनर्जी ड्रिंक या प्रोटीन शेक? डेफिनेटली प्रोटीन शेक. अच्छा, मेरे उसमें दोनों नहीं है. फिर कोई तीसरी चीज है? ग्रेनोला बार्स या गुड. हाँ. ओके, फेवरेट जिम वेयर? बिलीव. ओह माय गॉड, मेरी ब्रांड की जो एंडोर्समेंट हो गई है. यस, एंड आई लव के सबसे ज़्यादा जो मेरी ब्रांडिंग में रोज़ सबसे ज़्यादा कपड़े पहनती है, हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, एंड मेड विद लव, और उसको अच्छे लोग जब पहनते हैं तो they are, मतलब लाइक सो लॉन्ग लास्टिंग. मैंने दूसरी ब्रांड्स के भी पहने, ऐसे नहीं है. और मैंने आके क्या बोला है, अभी तो मैंने बस 2-3 दफ़ा वॉश किए हैं और बस सिलाई उधड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके कितने साल हो गए. एज इट इज, और आप आज भी उसी तरह पहन रही हैं? आज भी ऐसे पहन रही हूं. ओके, फेवरेट कार्डियो एक्सरसाइज? अब सिंस रमजान, स्टेयर मास्टर. यस. स्टेयर मास्टर पे क्या आपको अच्छी चीज लगती है, व्हाट इज ऑल अबाउट स्टेयर मास्टर जब आप करती हैं? स्टेयर मास्टर एंगेजेस एवरीथिंग, आपका लेग डे, ये अगर आप थक जाते हो तो आपको आर्म्स भी यूज करने पड़ते हैं, बट यस, स्टेयर मास्टर. सो स्टेयर मास्टर इज बेसिकली अ फुल बॉडी एक्सरसाइज वेयर इंक्लूड एवरीथिंग, योर कोर मसल्स, योर आर्म्स, योर लोअर बॉडी, योर ग्लूट्स, ईच एंड एवरीथिंग, प्लस योर मेंटल हेल्थ, ये हर चीज में जुड़ी हुई है. वेट लॉस या वेट गेन? वेट लॉस प्लीज. Really? अभी भी? अभी भी. Okay. Free weights या machines? Definitely machines. Definitely machine. Any one myth जो आपको लगता है कि यार ये जो myth है ये बहुत वो strong है. Let's suppose muscle बनना without. हाँ, बिल्कुल. या फिर वो jacket पहन के workout करना, पसीने ज़्यादा आएंगे. हाँ, मुझे लगता है ये पसीने वाली myth है. और हाँ, ये भी कि आप बहुत ज़्यादा ये उठा लोगे तो मसल्स ऐसे, तो फिर मेरे बहुत डोले होने चाहिए यार. और स्वेट अगर जितना आएगा तो उतना आपका फैट जो है खत्म हो जाएगा. आप कराची में जितनी गर्मी पड़ रही है, जितना पानी आपकी बॉडी में होगा वो निकलेगा. और कराची में जितनी गर्मी पड़ी है इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान वालों के सिक्स पैक्स होने चाहिए. क्या हुआ फिर आपके स्वेट का? फेवरेट म्यूजिक ड्यूरिंग वर्कआउट? फेवरेट, अच्छा, मैं सैड सॉन्ग सुनती हूँ ड्यूरिंग वर्कआउट. वर्कआउट के टाइम भी रोज? रोज के इतने गम है, सैड सॉन्ग सुनती हूं. क्या मोटिवेशन है सैड सॉन्ग्स में, ठीक है. बट ट्रस्ट मी, अगर आपको अच्छा वर्कआउट करना, माय ओपिनियन इज गो फॉर एनी रैप वर्कआउट या कुछ ऐसे. खास तौर पर आई लव तलहा, यूनिस और दो जो रैपर हैं हमारे, मतलब यस, रैप, दे रैप्स आर टोटली अमेजिंग.
इसके अलावा चीट मील और चीट डे, वो आप जवाब दे चुके हैं। चीट मील, मील वन वर्ड एडवाइस, कोई एक ऐसी एडवाइस जो कि आप देना चाहेंगे लोगों को ड्यूरिंग फॉर द वर्कआउट। फॉर द वर्कआउट इज किसी को वो मत करें कि ये मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। बस आप वर्कआउट कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई आपको नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। आंखें बंद कर लें, जस्ट गो फॉर इट। ओके, कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जिसका आपको गलत जवाब देना है। गलत जवाब देना जी? अच्छा, इतने गलत जवाब देने कि वो सिर्फ और सिर्फ गलत जवाब में ही काउंट होंगे। सो दैट इज रॉन्ग आंसर ओनली। ओके, जिम जाने से क्या होता है? वेट गेन होता है। वाओ, वर्कआउट करना चाहिए? नहीं, बहुत बेकार चीज है ना, जहर चीज है, पता नहीं क्यों बैठ के आप लोग हमारी पॉडकास्ट। फालतू है, फालतू। बॉडी किस लिए बनाते हैं? बॉडी लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं। ये तो सही है। अच्छा हाँ, ये भी सही है, बॉडी कपड़े पहनने के लिए बनाते कपड़े। ये भी सही है। नहीं, कुछ लोग बॉडी बना के कपड़े कम पहनते हैं। ओके, बहुत गहरी बात है। डू यू लाइक मैन? नो भाई, खवातीन जितनी भी देखनी है खुश हो जाएं, जो उस तरह की हैं वो आज रोज को मैसेज कर लें। फिटनेस या फैटनेस? डेफिनेटली फैटनेस। फैटनेस, पानी पीना जहर है? जहर है, जहर है ना, जहर। बहुत जहर है, मत पीजिए। पिज्जा या ओट मील? डेफिनेटली पिज्जा, ऑफ कोर्स। इंसान या गधा, कौन ज्यादा कार्डियो करता है? इंसान। यस, कौन से वाले कार्डियो की बात कर रही हैं? देखिए, कुछ इंसान तो गधे से ज्यादा कार्डियो करते हैं। मेंटल हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ? दोनों हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये भी टैबू आप डिस्कस कर रहे हैं। yes. कि लोगों को लगता है सेक्सुअल हेल्थ किसी खाते में आती ही नहीं है। ओके, एक इसी पे हमारे एक बड़ा अच्छा सवाल निकला है अबाउट द टैबू टॉपिक्स, खास तौर पे खवातीन के लिए, वो खवातीन जो कि सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन करती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, उनको वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका क्या कहना है? बिकॉज आप एक फिटनेस फ्रीक हैं और आप इतने अरसे से वर्कआउट करें, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑल फॉर दैट। ये एक और मिथ है जिसकी मैं बात करना चाहूँगी कि लोग कहते हैं ना कि आप ड्यूरिंग पीरियड्स आप वो नहीं कर सकते, वर्कआउट ज़्यादा ना करेंगे, ना करें। वेन एवर इट इज़ माई टाइम ऑफ द मंथ, आई स्टार्ट विद लेग डे। रियली? यस। वाई? बिकॉज जीरो ब्लोटिंग। ओके, जीरो ब्लोटिंग, एंड आपका जो पेन है ना वो भी नहीं होता, यू डोंट गेट दैट पेन। सो दिस इज़ अ मिथ that you can't do weights, it's even if you are, you know, when you're at the time of the month. Yes. ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको bloating नहीं चाहिए, start with leg day. और मेरे हिसाब से कुछ ऐसी खवातीन हैं जो कि बहुत ज़्यादा serious लेती हैं उसको, तो उनके लिए I guess हम ये being a trainer, this is my responsibility to tell you one thing, कि बेशक आप एक दिन जो है वो off ना करें, just go to the gym, do some cardio, अगर आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है। एक दिन आप कार्डियो करें, दूसरे दिन से यू कैन गो फॉर एनी अपर बॉडी वर्कआउट। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लाइक थर्ड डे में आप एटलीस्ट वर्कआउट कर ही सकते हैं। ये मैंने एक हैक डिस्कवर किया है कि जब भी मेरा फर्स्ट डे है और मैंने लेग डे किया है, मेरा स्टमक ब्लोट नहीं होता, जबकि आपका ऐसे जब आपकी डेट्स आती है तो आप पूरे ब्लोट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, माय स्टमक डजंट ब्लोट। तो ये एक आई थिंक एक हैक है, आई डोंट नो, मेरे साथ इट्स अ डिफरेंट बॉडी टाइप, आप ट्राई जरूर कर सकती हैं, बट स्टिल इस चीज के बदले में आप वर्कआउट स्किप ना करें, यू कैन गो डेफिनेटली गो फॉर इट। देखिए, मेरी बात सुने आप, प्रेगनेंसी और पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। यस yes. मैं एक इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर है, स्टेसी नाम है क्या, शी वॉज प्रेगनेंट, शी वॉज, अब तो उसका बेबी हो गया, एंड शी वॉज लाइक 6 मंथ्स, और वो बाकायदा से स्क्वाट्स कर रही थी। हमारे जो कल्चर में है, वी ट्रीट प्रेगनेंसी लाइक अ डिजीज, इट्स नॉट अ डिजीज। कम टू द जिम, वर्कआउट, आप भी हेल्थी होंगे, आपकी आपका बेबी भी हेल्थी होगा। एग्जैक्टली, और मेरे हिसाब से आपने ये जो बात करी है बिल्कुल स्ट्रांग मैसेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में प्रेगनेंसी जैसे 9 महीने की होती है, उससे 9 महीने पहले आप वर्कआउट छोड़ देते हैं। हाँ। और उसके बाद 9 महीने वो, और उसके बाद आफ्टर द डिलीवरी 9 महीने फिर छोड़ देते हैं। दिस इज द ह्यूज फिर difference. वो औरत का नक्शा ही बदल जाता है फिर व्हेन शी इज कमिंग। तो एक तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता exactly. है, ठीक है, वो बिचारी आके देखती है एवरीबडी फिट एंड एवरीथिंग, और फिर मैं वापस से जीरो से शुरू करूँ, ये वो, इतनी मैंने, आप देखें बाहर की जितनी भी
इंस्टाग्राम पे वो है फिटनेस की जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या ट्रेनर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, वो प्रेग्नेंट होती हैं, वो जिम में आती हैं, स्क्वाट्स करती हैं, वेट्स लगा के वो वाले स्क्वाट्स करती हैं, ट्रेनर होता है उनके साथ, और बेबी के वन मंथ के बाद दे आर बैक इन द जिम बट दे आर नॉट आउट ऑफ शेप. ठीक है, वो दो टू थ्री मंथ्स में दे आर फाइन बिकॉज वर्कआउट से आपका डिप्रेशन भी कम होता है. और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपकी जो बेबी की हेल्थ है वो भी हेल्थ अच्छी हो रही है, प्लस आप इतने अरसे के लिए जो एक पूरे इसमें चले जाते हैं वो आपको एक पूरे डिप्रेशन में ले जाता है. हमारे जो देसी कॉन्सेप्ट है उसमें आई थिंक मोस्ट औरतों को पता ही नहीं होता कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है. yes. कि बच्चे के बाद माँ को डिप्रेशन होता है, उसको तब केयर की जरूरत होती है. एग्जैक्टली तब सब बच्चा लेके घूम रहे होते हैं माँ को, उसको हर कोई मुँह में खिला देता है कि बेटा खा बेटा खा, तो ये गलत है. ये बहुत ज़रूरी बात थी और जो कि रोज ने डिस्कस करी है. अच्छा, एक चीज़ नॉर्मली हमारे पाकिस्तान की और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स में एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा. रोज़ उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि जब आप इंस्टाग्राम की या कुछ रील्स बनाती हैं तो ख़ास तौर पर लड़कियों की रील आपको पता है क्यों वायरल होती हैं, तो उसके क्या आप बताना चाहते हैं कि कुछ लोग जो है वो हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि आपने वर्कआउट की वीडियोज़ वगैरह लगाएं, इट विल बी अ गुड साइन ताकि लोग उससे मोटिवेट हो, बींग एन इन्फ्लुएंसर आपका काम है. बट कुछ वीडियोस का जो एक बनाने का तरीका होता है, लेट्स सपोज इफ यू आर वर्किंग आउट स्क्वाट, कैमरा आपके यहाँ रखा हुआ है, तो व्हाट इज दिस कॉल, ये तो फिर आप बस सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं आप अपना, सिर्फ अपने आप को बेचने के लिए. अच्छा, ऐसे लोगों ने टाइट्स पहन के टिकटॉक पे वीडियोस बनाई हुई है जिनका जिम से कोई लेना देना नहीं है. उनका अगर आप पूरी ओवरऑल बॉडी शेप देखेंगे तो दे आर लाइक यू नो, बस That's not the way, यार. Exactly. आप लोगों ने एक जिम को सेक्सुअलाइज कर दिया. I'm yes. so sorry to आप इसको सेक्सुअलाइज नहीं करें. लोग वैसे ही बड़े परेशान हैं आजकल और उसके बाद आप लोगों की रील्स ऐसी होती हैं. फिर हमारी आवाम भी ऐसी exactly. है, वो फिर अगर मैं पोस्ट कर दूंगी तो फिर वो सबको एक ही नजरों से सब एक yes. ही एक फिर ही, हम सब एक ट्रेंड में चल रहा है. हाँ, you know? अच्छा, एक मैसेज फॉर योर हेटर्स, आई लव यू गाइज, और एक मैसेज आपके जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए क्या एक मैसेज है? जो मुझसे प्यार करते हैं आई लव यू टू, एंड और मदद करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? आई देखो, आपके पास एक ही जिंदगी है, आप उसको अच्छे से जिए, अच्छे से जिए, लेकिन किसी को हर्ट मत करें. ठीक है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, बट अपनी खुशी के लिए आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की बैंड मत बजाएं, exactly. दूसरों को हर्ट मत करें. सो जस्ट लिव एंड लेट लिव, कीप योर नोज आउट ऑफ अदर पीपल्स बिजनेस. एंड वन वर्ड फॉर मी, द बेस्ट, द लेजेंड, ओह माय गॉड, ओके, वी वोंट स्टॉप अंटिल करण औजला रीपोस्ट यू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो आज की इस पॉडकास्ट का एक जो सोल्यूशन निकला है, और रोज ने बहुत अच्छी बातें करी हैं, और जिस खूबसूरती के साथ इसने इस बंदी ने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है, उसके लिए मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा. यू हैव जस्ट वन बॉडी फॉर द होल लाइफ, स्कल्प इट ब्यूटिफुल बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ. और ज़िंदगी में एक बार सबके लिए ज़रूर टाइम आता है, तो आपका टाइम भी ज़रूर आएगा. सो जस्ट कीप वर्किंग आउट, कीप पुशिंग योर सेल्फ. थैंक यू रोज, थैंक यू सो मच, और आप इतना टाइम निकल कर यहाँ पर आई, इतना अमेजिंग पॉडकास्ट था ये, यू नो इट वाज ग्रेट ग्रेट टाइम. इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इसको और बेहतर करें, और इंशाल्लाह आपको और ज्यादा सक्सेस दे, और अगले साल हम आपको टीवी पे देखेंगे, चैनल पे आप मुझे बुलाएंगे. थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑलराइट, डील डन.